पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लेकिन दो बार जो हम लोग वहां गए, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, बिहार की जनता में बहुत गलत मैसेज चला गया। तो दो बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में जाने का ऑफर मिला है, ये सवाल आज तब उठने लगे जब मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती कहती नजर आई थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कोई नहीं कह सकता, वो कब पलटी मार दे इसका अनुमान तो खुद पीएम मोदी भी नहीं लगा सकते हैं। और उनसे जब पूछा गया कि क्या महागठबंधन में फिर से नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, इस पर भी मीसा भारती ने साफ कह दिया कि ये तो उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मीसा भारती सॉफ्ट नजर आई नीतीश कुमार को लेकर, जिसके बाद संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया था। हमने आपको बताया था नीतीश कुमार को लेकर संजय झा कहते नजर आए थे कि दो बार राजद में जाने से गलत मैसेज गया है, मीसा भारती क्या कहती हैं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। जिसके बाद एक बार फिर अब सांसद मीसा भारती ने पलटवार किया है संजय झा पर और साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे उनके अगल बगल बैठे लोगों को भी पता नहीं चलने वाला है। इसको लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि यार क्या राजद, क्या मीसा भारती एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हुए हैं, क्या महागठबंधन की ओर से ऑफर खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए। आज मीसा भारती पलटवार करते हुए संजय झा के बयान पे क्या कुछ कह रही थी, पहले आप वो सुने। और मीसा जी क्या बोलती है, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन दो बार जो हम लोग वहाँ गए, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, बिहार की जनता में बहुत गलत मैसेज चला गया। तो दो बार गए तो एक बार में ही लोग गिरता है तो सीख ले लेता है ना, दोबारा आए। और संजय झा जी को भी नहीं पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कब क्या करेंगे, ये संजय झा जी को भी पता नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। वो जो आसपास इधर उधर राइट लेफ्ट जो लोग रहते हैं ना, उनको ये बात समझ में आता नहीं है। तो लगता है लेकिन मेरे बयान पे बहुत तत्परता दिखाई गई संजय झा जी के द्वारा। लेकिन जो बिहार में अभी जो घटनाक्रम जो हुआ, आप सिवान और सारण में जो जहरीली शराब से 40 तकरीबन 40 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, उस पे संजय झा जी डबल इंजन की सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उस पे जवाब देना। अब तो किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे बोरा में भर भर के आना चाहिए था। तो बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए केंद्र से आ क्या रहा है, संजय झा जी बताएंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा को आप कैसे देखते हैं, गिरिराज सिंह ने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक्सर महागठबंधन की ओर से ऑफर मिलते रहते हैं, जिसको लेकर मीसा भारती ने आज तंज भी कसा था और कहा था नीतीश कुमार कब क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, पीएम मोदी भी ज़्यादा उन्हें रोक कर रख नहीं सकते। साथ ही साथ यहां तक कह डाला था कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में स्वागत कैसे करना है या नहीं ये तो राजद के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। साफ दिख रहा था मीसा भारती नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं, सॉफ्ट होती नजर आ रही थी। जिसके बाद संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया था और अब एक बार फिर मीसा भारती ने पलटवार किया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे उनके अगल बगल के लोगों को भी पता नहीं चल पाएगा। और ये भी आज कहती नजर आई है कि नीतीश कुमार तो पहले भी कहते थे कि पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन पलट गए, वो भी एक नहीं दो दो बार।
तो एक बार फिर उनके इस बयान का जो नीतीश कुमार दोहराते रहते हैं कि दो बार गलती हुई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। नीतीश कुमार कब क्या कर बैठेंगे ये कोई नहीं कह सकता, उनके अगल बगल के लोग भी नहीं समझ पाएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव की जहाँ राज्य में तैयारियां शुरू हो गई है, वहां इस तरीके का बयान, वो भी लालू यादव की बेटी की ओर से आना, सांसद मीसा भारती की ओर से आना, काफी कुछ कहता है कि जरूर एक बार फिर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।